रेप्टिलिया वर्ग के सबसे बड़े जंतुओं में से एक है मगरमच्छ, जिसे देखकर हम सब काफी डर जाते हैं, क्योंकि ये एनिमल इतना खतरनाक होता है कि शिकार करने में जरा सा भी देर नहीं लगाता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मगरमच्छ पानी में सांस कैसे लेता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगरमच्छ की लगभग 23 स्पीसीज होती है और ये हमारी धरती पर लगभग 240 मिलियन सालों से मौजूद हैं, और इनका डायनासोर से करीबी संबंध भी माना जाता है। एक्चुअली मगरमच्छ दो तरह के होते हैं, पहले वो जो मीठे पानी में रहते हैं और दूसरे वो जो खारे पानी में रहते हैं, पर ज्यादातर मगरमच्छ ताजा पानी वाले नदी या झीलों में पाए जाते हैं। मगरमच्छ के सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वो अपने बच्चों को अंडे में रोता हुआ भी सुन सकता है, और इसके अलावा इनकी आंखें भी बहुत तेज होती हैं। तभी तो ये अपने शिकार को रात के अंधेरे में और पानी के अंदर देखकर शिकार करना इनके लिए बहुत ही आसान होता है। मगरमच्छ बिना कुछ खाए पिए काफी टाइम तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि ये अपने भोजन को चबाते नहीं बल्कि सीधे निगल जाते हैं। मगरमच्छ के दांत और जबड़े बहुत मजबूत होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार को चुटकियों में पचा लेते हैं, और खाते समय मगरमच्छ की आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि खाते समय इनके मुंह में हवा भर जाती है जो अश्रु ग्रंथि के संपर्क में आते ही आंसुओं के रूप में बाहर निकलती है। मगरमच्छ अक्सर अपना मुंह खोलकर ही रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होती और इसीलिए ये अपना मुंह खोलकर ही अपने बॉडी को ठंडा करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि मगरमच्छ पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, फिर चाहे ये पानी में ही क्यों ना रहते हों, क्योंकि ये अपनी सांस को काफी लंबे समय तक रोक सकते हैं, और ये अपनी सांसें 15 मिनट से लेकर तकरीबन 1-2 घंटे तक रोक सकती हैं। ज्यादातर मगरमच्छ 50 से 60 साल तक जिंदा रहते हैं, पर कुछ ऐसे भी मगरमच्छ हैं जो लगभग 80 सालों तक जिंदा रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।